राजस्थान में भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से सोमवार को कंपनी बाग के समीप स्थित तिब्बती मार्केट में मानव अधिकार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देवेंद्र कुमार बिसोई रहे, जबकि अध्यक्षता तिब्बती मार्केट के अध्यक्ष संजय ने की। इस मौके पर तिब्बतियों के गुरु दलाई लामा की पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं तिब्बती महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिसोई व मार्केट अध्यक्ष संजय ने बताया कि 10 दिसंबर के दिन 29 वर्ष पूर्व दलाई लामा को विश्व शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसी उपलक्ष्य में विश्व के तिब्बतियों द्वारा त्योहार के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अलवर राजस्थान से रूपेश शर्मा की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। आगे रखकर उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, कई अत्याचार सहे, और जब आप भारत की हिस्ट्री पढ़ते तो आपको पता चलता है कि कितना बुरा हमारे साथ हुआ, लेकिन हमने आज जैसे भी करके उस आजादी को प्राप्त किया। तो एक तो आप लोगों के अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि वी हैव टू गॉट फ्रीडम। इफ यू रियली वांट, ये आज हम परम पूज्य दलाई लामा जी के शांति पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में, ये पूरे वर्ल्ड में है सर, पूरे वर्ल्ड से मिला था उन्हें शांति का पुरस्कार। उसके उपलक्ष्य में हमें 10 तारीख को मिला था, 10 दिसंबर को, उसके उपलक्ष्य में हम ये दिन बहुत ही मतलब उत्सव के रूप में मनाते हैं, और सुबह पूजा अर्चना कर उनकी लंबी उम्र की, उनके स्वास्थ्य की अच्छे होने की कामना करते हैं सर। इस दिन को हम जितने भी मतलब इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने भी तिब्बती लोग हैं, सभी लोग इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संजय है, ये तिब्बती मार्केट अलवर के अध्यक्ष हूँ जी। आज मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम तिब्बती समाज द्वारा किया गया, जिसमें आज से 29 साल पहले इनके धर्मगुरु दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार विश्व शांति के लिए दिया गया था। उसी की उत्साहित होकर ये उस दिवस को मानवाधिकार आवास दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पे उन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया, इनके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा, और इनके विचार भी जाने, और बड़े ही एक सामंजस्य के तौर पर ये समाज के साथ रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इसी तरह जो है अपने जो इनका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करें। धन्यवाद।